हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं और खास तौर पर बात करें टीचिंग और डीएसएसबी। तो फ्रेंड, डीएसएसबी से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आ रही हैं। जैसा आप जानते हैं, जो पीआरटी डीओई में जो पीआरटी था तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिए गए हैं, तो अब जो आगे की प्रोसेस है बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी खबर है उन कैंडिडेट्स के लिए जो काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो एमसीडी पीआरटी का तो आप समझे, बहुत जल्द काम होने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इसके बाद जो अभी हम बात कर रहे हैं डीओई पीआरटी, तो साथियों डीओई पीआरटी में भी काम बहुत जल्द होने वाला है, काम स्टार्ट हो चुका है। अब डीओई पीआरटी में भी काम बहुत जल्द होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, मतलब जो भी सारी चीजें, ये प्रोसेस आपकी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं, काफी फ्रेंड्स के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि क्या एमसीडी पीआरटी में वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आ सकती है, चांसेस हैं क्योंकि काफी वैकेंसीज अभी बची हुई हैं। तो आप टेंशन ना लें, जो फ्रेंड्स काफी कम मार्जिन से, मतलब बहुत क्लोज रहे हैं, तो उनको जरूर चांस मिल सकता है और आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन जहां तक है चांसेस हैं उन कैंडिडेट्स के। तो फ्रेंड्स, इसके बाद तो काफी फ्रेंड्स घबराए हुए हैं, जो ओबीसी का आपको पता है 77 जो कैंडिडेट्स हैं उन फ्रेंड्स के लिए मैं दिल से, मतलब जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिल से दुख व्यक्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि जल्द से जल्द उनको भी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जेन्युइन कैंडिडेट्स को रोकना बहुत गलत है, क्योंकि जो गलत है, गलत के साथ में जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको रोका गया है तो वो कहीं ना कहीं निराश है। तो साथियों, निराश ना हो बिल्कुल, अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो फ्रॉड है उनको दिक्कत जरूर होगी, और साथियों मैं यही चाहता हूं अगर कोई जेन्युइन नहीं है तो उसको दिक्कत जरूर होनी चाहिए। और मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात भी हुई थी, वो जेन्युइन है, उनको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, 77 कैंडिडेट्स में उनका भी नाम है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज है, आप देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको आपका हक जरूर मिलेगा। तो साथियों, ये अभी अपडेट है आज की। तो जो डीओई पीआरटी में वेट कर रहे थे कि कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, तो सारी प्रोसेस बहुत आराम से चल रही है और एमसीडी पीआरटी में भी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। तो जुलाई एंड तक ज्वाइनिंग हो सकती है, या हो सकता है 1% अगस्त तक ज्वाइनिंग जा सकती है, लेकिन उम्मीद यही है कि जुलाई तक ज्वाइनिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है आप लोगों के लिए, और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको फ्री स्टडी मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपके फोन में स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।